बदलत बाटी मानव बदलत बा हमन की चाल चलन लोप होते जात बा संस्कृति अपनात बाटे दूसरे के रहन सहन ये संस्कृति जगेरना के एक अनमोल खजाना कार्यक्रम संस्कृति सरोवर अब बुद्ध समुदाय के टेलीविजन पर हर एक सोम देखे कि न भुलाल जी कार्यक्रम संस्कृति सरोवर सबसे पहले कार्यक्रम संस्कृति सरोवर में आपकी स्वागत है। कार्यक्रम संस्कृति सरोवर आप बुद्ध समुदाय टेलीविजन पर देख सकल जाला कि हमरे ई कार्यक्रम रे के हमर जे समाज के लिए कि कैसे हटा सके कौन हमर के कोनो भी क्षेत्र में खाज कोनो भी कार्यालय में खाज जिला सृष्टि हमरे कैसे हटा सके कौन इतनी बनाओ कि हमरे अपन जीवन में कैसे सफलता प्राप्त कर सके कि हमरे सर्चा कर जत ते वैसे भी आज हमरे पुकार मिलबा तिलकमा नगर पालिका वार्ड नंबर 11 के वार्ड अध्यक्ष मुक्ति नारायण चौधरी जो से हमरे वहाँ से बातचीत कर जी ते आज हमरे मुक्ति नारायण चौधरी से बातचीत करे के क्रम में कि हमारे के ये कार्यालय में कितना ढीला सुस्ती बातें जो न पहले और आज की तुलना में कितना फर्क बा बाकी ना ढीला सुस्ती एक बारे में चर्चा कर जी और हमारे हमारे की समाज और असल कैसे बांध सके के विशेष के एक संबंध में चर्चा करें ते कार्यक्रम में आपकी स्वागत बा आते सबसे पहले हमरे बधाई दे चाहत बा वैसे थे आप एक जो ई क्षेत्र में नया ना होके पुराने मनी डाल बा आपके हमने के कहा जा दुई दशक के बड़ी अनुभव बा आपके खुशी के बात बा और आप एक जो बधाई के पात्र डाल बा ते सबसे पहले आके जो ना पहले और आपके तुलना में कार्यालय में जब एक कार्यालय प्रमुख भूमिका निर्वाह कर जाता कितना फर्क पा लिया बाते फर्क तो इतना ज्यादा फर्क बा जैसे हम पहले रहे जैसे मान लें जब पहले रहे हम उन 50 साल से हम गाबीसा अध्यक्ष रहे गाबीसा अध्यक्ष में उन 50 साल के अध्यक्ष उन 50 साल से लेकर 58 साल तक के अध्यक्ष आज के जो नी हमरे जो आयल मिल वही 74 साल से आज के अवस्था तक थे फर्क बनी है पहले ऐसा रहे कि मतलब पहले गाबीसा अध्यक्ष में तो बेलम बजट में नहीं रहे पैसे नहीं रहे उन 50 साल में जब 15,000 रुपया मसलंद खर्चा कह के बजट आवत रहे जब 15,000 ओकरे बाद 50-51 साल में बल्ले यहाँ बजट आयल बा 51-52 से शुरू भइल बा बजट अब 2-3 लाख से शुरू भइल लगभग 25 लाख रुपया तक गाड़ी सब आवत रहे बजट 25 लाख रुपया से इतना बड़े नौ वार्ड के विकास निर्माण करे पड़त रहे 25 लाख रुपया से ओकरे बाद अब आपके 70 साल से जब नगर पालिका हो गई नगर पालिका भइले के बाद ई नगर पालिका में तीन पहले 4 वार्ड रहल अब 3 वार्ड भइल बा अब हमन के मकरह गाविसा साबिक मकरह गाविसा में 3 वार्ड भइल बा अब फर्क इहे बा कि दहली अब पहले 25 लाख रुपया में पहले 9 वार्ड रहे 25 लाख रुपया में 9 वार्ड के हमरे बाढ़ फाड़ कर जात नहीं कितना पड़ता है 9 वार्ड में 25 लाख रुपया में अब आज घरे जब नगर पालिका हो गई अब हमारे यहाँ 74 के बजट में लगभग 2 करोड़ से ऊपर बजट आए अब समझल जाए 3 वार्ड बाद 6 करोड़ रुपया तो सोझे आ गए नहीं मकरार गाविसा में जहाँ 25 लाख रुपया रहे वो जगह में आज 6 करोड़ रुपया आवत ना आखिर कहाँ पैसा था नहीं अब ये पैसा कहाँ रहे कहाँ जात रहे नहीं तो आज के जब ये चुनाव के बाद में 74 साल के स्थानीय जब चुनाव भइल तो हमारे जनता के हमारे कहल गई नहीं कि मतलब ये संघीय जब राज्य व्यवस्था जब शुरू हुई तब ढेर विकास हुई गाँव से सब विकास हुई बाहर ना जाए परी नहीं केंद्र के ना मुँह ताके परी और केहू मुँह नेतन के मुँह नहीं ताके परी सब आप लोग ये गाँव में से आप लोग विकास निर्माण कर सकल जी कह के सारा जनता कहल गई नहीं वह अनुसार हमारे 74 साल में जितने भरी में इतना भारी योजना बनावल गेल कि लगभग अब फर्क कह के कहल जाती है फर्क बा कि 49 साल से लेके अथवा 48 साल से लेके 73 साल तक जितना विकास नहीं भइल रहनी वहाँ तक के जो विकास भइल रहा उतना विकास ये 25-26 वर्ष के दौरान में जो विकास भइल है उतना बड़ी विकास हम रह के वर्षन कर गेल है 74 साल में आते एकदम खुशी की बात आते जैसे अब कितना जने कहानी की पहले जो ना आप सबके एक जे ऐसे पहले वारदात से पहले ओके काम करे दौरान में कुछ है अब आप हर महसूस होते रहे आप कितना जने कहानी की साथ महसूस होते रहे ते जैसे अब संस्था के हिसाब से पहले ठीक रहे कि आज ठीक बात आज ठीक बने अब आपके कहीं जहिर नहीं पड़े तो सबके अपन
पहले तो मकरहन गाड़ी से हम जाए पड़त रहा पहले सत्तरी साल से पहले तो मकरहन गाड़ी से हम जाए पड़त रहे सारा जनतन के यहाँ कोनो चाहे भत्ता ले रहे सिफारिश करे रहे जग्गा पास करे रहे हर एक सिफारिश ले मकरहन गाड़ी से हम जाए पड़त रहे अब तो अपन अपन गाँव में बनी हमन के 11 नंबर वाला होके हमरे यही मदरहनी में रखल गई बा 12 नंबर वाला के वही मकरहन में रखाइल बा 10 नंबर वाला के वही देवरी धैल बा अब सब सब सारा व्यवस्था तो गंगे से होता नहीं जनता तो ढेर बढ़िया बा ढेर सुख बा दुख करे पसीना फेंक के रहेंगे तो रहेंगे तो वहाँ जाए के नहीं पड़ा तो अब इसी कार्यालय में कैसन कैसन अवसर के किस्से हो गए कैसन किस्से काम लेते अब हर एक किस्म के वाला अब कितना हम अगर पढ़ी तो अब बहुत ढेर पढ़े पड़ी नहीं जितना मतलब काम होला हम जनता के जितना प्रत्यक्ष रूप में काम हो ना जितना जगह जमीन बेच बिखन से लेके अब हराम विराम सिफारिश हर एक चीज विदेश के लिए जैसे विदेश के काम के लिए पढ़े जाए के लिए भी यहाँ से सिफारिश होला हर एक काम के सिफारिश होला यहीं से सब कुछ होला नगर में नहीं जाए पड़त कहीं नहीं जाए पड़त कोनो कोनो कारोबार मैंने जैसे रही प्रमाणित कोनो चीज करे के रही दुई व्यक्ति कहल के दुई नाम कहल के एक व्यक्ति हो कहल ये कुल एक टू प्रमाण नागरिकता ये भर सी डी ओ कार्यालय में जाए पर नहीं तो टोटल ही काम होगा कोनो ये नहीं बल्कि मतलब जनता के काम यहाँ से नहीं रुके हर एक काम अब हमारे गेल का आर्थिक वर्ष में सबसे बड़ी योजना हमारे के रहल ग्रायबल जबकि 20-25 वर्ष के दौरान में सारा रास्ता हिलना कच्ची रास्ता रहे ग्रायबल तो हम पहले पहले जब आए नहीं 51-52 साल में भी वो बेलम भी हम ग्रायबल ढेर कैले नहीं तो वो पर भी वैसे नहीं लग के आज कर दो वर्ष के बाद वो फिर माटी में धस जाता है रह जाता लेकिन हमारे असो ये कल गए कि लगभग 50-50 लाख के ग्रायबल के लिए 50-50 लाख के ग्रायबल के लिए लगभग कहीं कहीं अब पानी बरसत बा रास्ता हो कच्ची रास्ता हो पक्की तो फुट जात बा दो बरसत फुट जात बा तो कच्ची नहीं फुटे तो सवाल नहीं बा फुटी जाए तो टोटल ये मकरहन में लगभग कहीं कहीं वैसे जगह हुई नहीं तो हिलना रहेंगे कि नहीं कल के मतलब विकास निर्माण के काम संपन्न किए एकदम संपन्न अधिवेशन जिससे और पहले हमने के कार्य की बजट लिस्ट बना बात सुना रहे समर्थ रहे थे क्वेश्चन पर नहीं थे नहीं हमारे के हम ये जो ये तिलोत्तमा नगर पालिका में कहल के लगभग हर एक नगर पालिका तिलोत्तमा नगर पालिका हर एक वार्ड में लगभग ऐसा वार्ड नहीं बाकी मतलब हमारे बजट फ्रीज के लिए अब जैसे एक बजट फ्रीज भइल बा कैसे बजट फ्रीज भइल जैसे ये हम के नगर पालिका के हक में कहते जैसे हमारे वार्ड के हक में तो हमारे 100% काम कर गई बा जैसे यहाँ ऐसा बा कि जैसे 50-50 के कार्यक्रम लगभग टोटल हमारे वार्ड में 100% काम भइल बा मतलब ढेर वार्ड में 100% काम भइल बा एक एक दुठू वार्ड रहे जैसे 17 नंबर वार्ड 10 नंबर वार्ड में एक दुठू वार्ड में थोड़े से बजट मतलब ये 50-50 कार्यक्रम वाले नहीं कही कहा कि अब मनयो पड़ते हो नहीं शिक्षित अशिक्षित कैसन बाट समाज कैसन बा नहीं अब जनता भी तो उत्तरदायी हो सरकार प्रति राज्य प्रति तो जनता तो उत्तरदायी हो आते जैसे आपके नया आर्थिक वर्ष में किसन किसन योजना फिर भी वह परुंगे जैसे नया आर्थिक वर्ष में भी अब जैसे 30-35 लाख रुपया मरम्मत में धरी दहले हैं 40-50 लाख रुपया कालो पत्रे में ऐसे मतलब सब कालो पत्रे होला मरम्मत करे दहले हैं और बाद ये वर्ष में ग्रायबल के लिए नहीं दहले हैं अब ओकरे बाद अब कार्यक्रम तो हम के अब सरकार के भी नीति बाकी मतलब स्वास्थ्य शिक्षा कृषि ये तीन चीज में सबसे ज़्यादा लगानी करे कहीं के मतलब बजट छुट्टियाँ गिर हुआ अब वो कर फिर बाढ़ का मनाई भी हुआ कार्य योजना बना हुआ भाटा नगर पालिका में हमारे अपन अपन सलाह सुझाव तो बहल गई हुआ अब शिक्षा में भी बढ़िया कार्यक्रम भी हुआ हम के हर एक शिक्षा में अब यहाँ के जो बच्चा बाटा जो
शिक्षा में जो नर्सरी के बच्चा जो बाल शिक्षा कहा जाला वो लेकर के टोटल लेकर के हमारे टिफिन सहित खाजक व्यवस्था कर गए बा 25 रुपया बराबर खाजक व्यवस्था भइल बा। स्वास्थ्य के बारे में भी ठीके बा, पहले हमन के मकरार के मतलब टोटल स्वास्थ्य के बारे में हेल्थ पोस्ट सेमरा बाजार हेल्थ पोस्ट रहे सेमरा हेल्थ पोस्ट रहे। आज हमारे सरकार के नीति कार्यक्रम भी हो एक एक वार एक स्वास्थ्य कह के सरकार के कार्यक्रम भी हुए अंतर्गत हमन के ओढ़वा में स्वास्थ्य संस्था भी हो गई। समाज में तमाम प्रकार के विकृति विषय ध्यान में देखा जाते हैं वहाँ के हमारे स्थानीय जनता का जा उस समय ध्यान नहीं देने जिससे अमेरिका जी की जिससे तमाम घरेलू हिंसा रहता और हम के पहले आज की तुलना में जो बात दिया हर गिर बार कहीं पर ढेर मात्रा में बगिन का हमारे जो दहेज बा अब दहेज के भी हमारे यदि अदालत में देखा जा जीते ढेर से ढेर मुद्दा दहेज के हिसाब से पड़ रहा थे जो कि हमारे एक अप्रत्यक्ष रूप में दहेज मांग चल रहा आजकल देसी में देखा जीते ब्याह में लड़की के इतना एक क्वालिफाइड रहे तब पर एक बाई के दहेज बातें हो जाने ते ये सब में और हिसाब से हमारे की विकृति के हटा सके क्योंकि कौन योजना नहीं बना। अब खास करके हमारे मन के इस समाज में जो ये लड़का लड़किन के जन दान दहेज के विवाह के जन कार्यक्रम ये पहले से चली आयल के चीज हो। अब जिकर अब ढेर जगह हम देखली ढेर जगह देखली कि वो सब दान दहेज के नामे नहीं लेना दान दहेज नहीं फिर ही अपन भोज वोज के लिए विवाह वह कह देना पठा देना। बाकी कुछ जने के हम देखली कि एक ठू बाइक किन के लिए आके दे दी टी वी लिया के दे दी फ्रिज लिया के दे दी इसने टेबल कुर्सी सोफा सेट हर एक चीज दान दहेज मतलब दे लेते हैं मन के पहले से चलन हो। बाकी इतना भारी दान दहेज तो नहीं हो नहीं जैसे मोटरसाइकिल दुनियादारी इतना भारी दहेज तो नहीं हो हमन समाज तो इतना जितना हम कहते हैं मोटरसाइकिल दे के टेबल कुर्सी दे के सोफा सेट दे के टी वी फ्रिज दुनियादारी सब देखते सबके हैसियत तो नहीं बा मन के मान लें हमने समाज में हमारे थर्मे समाज में यदि कहल जाए तो इतना बड़ी दहेज दे ला के समाज सज्जन सक्षम तो नहीं बाटे थोड़े से बाटा दो चार जने गांव में बाटा। अब उ सब देखावटी के रूप में भी हो मने हमें हाई हाई चीज दे ली अपन समाज में देखा खातिर वास्तव में वो समाज में देखा के नाम नहीं जे देता वो नाम के मारे नहीं देता कीर्ति जन वो नहीं सोचता कि इस समाज में सारा समाज के विकृति हो कहीं के नहीं सोचता एक जन देखे तो नहीं करेगा। हाँ हाँ फलनवा दहले रहे चलनवा दहले रहे नहीं फलनवा दहले रहे तो वो दहले रहे तो हम कहे कम जिसे मनी का होगा कि एक टूटी कीर्ति हाँ हाँ हैसियत दिखाए कहते हैं तो ये वास्तव में अपन हैसियत दिखाए कहे के तो विकृति होनी तो थरिये जब ब्याह करी बेटो टो ब्याह करी तब वही दहेज ले ला उल्टे हुई कापी लेके बैठ जी 5500-1000 अब लाजिक मारे भी आदमी सब हाँ हाँ वो तो दहेज हो नहीं बिटिये तो ठीक बा गोड़ धो दहेज वाला कोनो बात में मानन के सिस्टम हो। अब बेटा हुआ दाय में लिखे कापी लेके बैठ जी मैंने भोज खाए को लेने वाला कि मैंने पैसा उठा के लेने वाला नहीं वैसे केहू विचार रही तो भाई अपन जो दुल्हनिया आयल बा तो उनके खुशी से ओके दे दा टीका उका लगा दा नहीं बाकी सबके जरूरी तो नहीं बा वहाँ लिख के बैठी कह के बाकी ये कुल सब विकृति हो दे एक हटा करी हम उनके थारे समाज में एक हटा करी हम के मेयर वासुदेव भीमरे वो अपन बिटिया ब्याह कैला सब केहू से दहेज नहीं दहेज फ्री केहू को नहीं गोड़ धोवा दिला पड़ दिला के कोई चिट्ठी मिल गया जैठा मोटरसाइकिल देते आजकल पल्सर से अब इस स्प्लेंडर के आदि पल्सर दे पर 2.5 लाख रुपया 3 लाख रुपया लग जाता नहीं सोफा सेट दराज टीवी फ्रिज हर एक चीज अगर जोड़ल जाए हर एक चीज जोड़ल जाए तो कुछ में तो 4-5 लाख रुपया खर्चा तो बहन भाड़ा बर्तन करके तो बल्कि बिटिया नावे इस सब जो दिहाल का पैसा जितना वहाँ आवत बनी वो बिटियों के नाम बल्कि अलग के छुट्टे बैलेंस के लिए वो से पहले हम के जिस कौन भी सिर्फ सिखा दा जाओ कि अर्धन के लिए हो सके आते ये काम करे दौरान में आपके कौन रानी की दबाव आज की नहीं अब
केहू कहे वाला तो दू शब्द दू चार बात तो कही ली हूँ तो खास करके यहाँ कोनो किस्म के यहाँ दबा बुनाई बा। अब जैसे हमारे आज एक कार्यक्रम बनाया गया बा, योजना बनाया गया बा, अब हमारे संपत्ति कर जैसे उठाया जाता है, हम समाज में सुनत है कि संपत्ति कर के बारे में ढाड़े भात दियो, जो एमाले को कम्युनिस्ट पार्टी हरि को सरकार ने ढाड़ भाचने गरी जनता ढाड़ भाचने गरी इसलिए कर लगाया छ कहीं के मतलब ढेर हरेक मीडिया में हरेक पत्र पत्रिका में ये सुना जाता है हमें ढेर दिन से नहीं। बाकी अब ढाड़ भाचे हो कह के कहा तो बाटा वास्तव में कहाँ ढाड़ भाचल के हो हम तो जैसे लगे जे जैसे ढाड़ भाचल के कह के जे कुछ नहीं बुझले बा वह कहा ना ढाड़ भाचल सही डेढ़ सही हो कर कहल के संपत्ति कर और जेकर दो कट्ठा तीन कट्ठा जगह बा उसे तीन कट्ठा चार कट्ठा पाँच कट्ठा जगह बा उसे 100 रुपये ले जाता 100 रुपये ढाड़ भाचा जी सारा सुविधा इतना सुविधा बा बाटो घाटो कलवट पुल पुलिसर हर एक चीज़ के सुविधा होत बा। अब 100 रुपये दहले से ढाड़ भाचा जी गरीब जनता के सब दल मिल के हमारे संघीय सरकार गणतंत्र नेपाल बनाई जी संघीय सरकार बनाई जी कह के सब जना सही कैले बाट नहीं प्रतिबद्धता जनैले बाट नहीं हम तो जब संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र जब प्रतिबद्धता जनैले बाट तब संघीय कहल के का हो या तो सब बुझल ही नहीं बाट संघीय कहल के का हो का करे सही कैल नहीं वो कह के तो बुझे चाहत रह कि केंद्रीय संघ कहल के तीन ठो राज्य रही तीन ठो राज्य व्यवस्था रही केंद्रीय सरकार रही प्रादेशिक सरकार रही स्थानीय तह रही स्थानीय सरकार रही ये कुल अब एक ही कार्यान्वयन नहीं करे पड़ी एक तो कार्यान्वयन तो करे भेल नहीं। अब कार्यान्वयन यदि कल जी तो जनता कह सरकार पैसा के पेड़ तो नहीं लगेले बा पैसा के पेड़ कहल के तो जनते तो होल नहीं वो पैसा जनते से पैसा उठाव जनते में विकास कर नहीं वास्तव में विदेश से कहाँ से पैसे आई न पैसा पेड़ तो नहीं सरकार लगेले बा पैसा पेड़ तो हमारे ही हो जाना नहीं तो हमने से पैसा थोड़े थोड़े पैसा सह सह रुपये उठावा। अब कल ही आज आज जैसे किसान लोगन के बाद किसान लोगन भी कहत बाटे कि हम के मन उचालत बाटे मैंने किसान के ढाड़ भाँच दे किसान के खास करके अपन खेती के उत्पादन में फायदा नहीं बा आमदनी नहीं होता खाली सामान में खाए भर के पुगल कह के मैंने कहा कि किसान के बारे में बाकी अब किसान लोगन आज देखल जब महंगाई इतना चढ़ल बा कल ही हमन बाबू बाजे पालक के बतिया न बतिया जा हमारे पालक मोने 60,000-70,000 बीघा जगह रहे आज हमारे यहाँ वड़वा में कह दी तब 40 लाख कट्ठा जगह हो गई 30 लाख 15 लाख से लेकर 40 लाख तक कट्ठा के जगह हो गई बा। अब इतना ओकर जगह 10 कट्ठा जगह बा ओकर 2 करोड़ की संपत्ति लगभग लगभग हो गई बा हो गई बा 2 करोड़ रुपये। अब जो 2 करोड़ के संपत्ति बा बाजार के आदमी में जाए जी तो देखल जी खाली अनेक घर में भाड़ा बैठल बाटे दुकान खोल रही 10-20 लाख-50 लाख के घर के संपत्ति नहीं 50 लाख 1 करोड़ के केहू खोल रहे हैं दुकान के 2 करोड़ के खोल रहे हैं। बाकी यहाँ तो गाँव में किसान सब 2-3 करोड़ के मालिक हो 1-2% बड़ा बड़ा जो जिम्मेदार लोग बाट 1-2% के आदमी के समस्या पड़ सकता वास्तव में हमारे कर उठाए जाता कर में कोई समस्या नहीं बा। अभी तक हमारे यहाँ सब जने आके हमारे आगे हम आपके ही दिखाते एक जना संघरिया आए न बुझा के गई बाट कन्हैया 11,771 रुपया ये हम आपके दिखाते कन्हैया मेरे उनके 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 संपत्ति ज़्यादा बा उनके संपत्ति लगभग 5 करोड़ बराबर बा संपत्ति 4,50,00,000 संपत्ति बा 11,771 रुपया इतना पैसा तीरे वाले 2-4 दिवस ज़्यादा नहीं बा। हमारे अगर करना है तीरल जी तो देश के विकास कैसे हुई यहाँ के विकास कैसे हुई बूझल के आदमी हो कार्यालय में जो अगर ही के काम कर के दौरान में वो सब कितना संतुष्ट बात है कि जैसे अब से अगर ही यहाँ ये तो उनका काम समय में हो सकता है के हम यहाँ ढेर घंटा न बैठे अभी तक एक जनक नहीं फरके रहे एक जनक नहीं फरके रहे सबके काम हम मिला के करी ला।
ओकरे बाद जल्दी से जल्दी यदि केहू आ गई तो ओकर काम जल्दी से यदि कोनो दिन सचिव गिदम हो गई सचिव चल गई तो हम अपन ही लिख डाली सर हम हाथों से लिख के लेटर पेयर में लिख के पठा देंगे लेकिन हम फिरता नहीं करेंगे हमारे ये इतना कहे से अनुभव ये हो कि मतलब हम के ऐसे जाए पूछे उससे जाए पूछे ना ही कोई की समस्या नहीं बा हम अपने परमाण को खोज के कौन चीज के लिए पर परमाण पूरा के ओकर काम हो प्रक्रिया पूरा के काम भी रहता है आते अंतिम में जन से अग्री बाकी कौन के कुछ कहे चाहत हम कहे चाहते कि मतलब हमारे काम वो सब जनते बाटा हमारे के आज से नहीं बहुत पहले से जानत बाटा और 50 साल से जानत बाटे कि फलाने कार होला कैसे कार कैला कहते उन 50 साल से जानत बाटा अब अभी तो नहीं जान ले रहता तो हम वो नहीं करती नहीं ओकरे बाद जैसे हम ये जनतन की सेवा कर हिम के कहते कि जे जितना कर बुझा वाले बाटा सबके सब खूब बढ़िया से उस मसान के भीतर में सब जने आवा कर बुझावा 10% अपन लाभ भी लें जो सरकार के तरफ से जो नगर पालिका के तरफ से सिफारिश भेल बास भेल 10% छूट कर दी ले उस मसान्त भीतर में जो बुझाई के 10% छूट कर दी ले कहके कल वह अनुसार हमें 10% छूट भी दिया जाला वह अनुसार सेवा करें हम अपन बढ़िया से काम लें 10% छूट मिले वो कहन के भी बढ़िया रहे नगर पालिका के बढ़िया होगी हाँ तो आप अपन अमूल्य समय दिया के लिए करते हैं आपके लिए से धन्यवाद लिख सकते हैं आपके लिए धन्यवाद बुद्धा टेलीविजन के लिए घर घर धन्यवाद वैसे हमने इतना गरी कार्य में अरे की बातचीत कर दी हमारे के तिरुतमा नगर पालिका और नंबर 11 के वार्ड अध्यक्ष मुक्ति नारायण चौधरी से हमने वहाँ से बातचीत करते आपके विद्यालय से नौकरी हमने फिर से आज के हमन के अतिथि मुक्ति नारायण चौधरी वहाँ के धन्यवाद इसने आप देख रहे बुद्ध समुदाय की टेंशन लेकर भी अति आपके धन्यवाद इसने कार्यक्रम देखते रहा जी और हम संचालक राज्य आपसे विदा होती नमस्ते।